परिस्थिति और देह स्थिति हमारे हाथ में नहीं है। परसों मैंने ऐसे स्पष्ट बोलते हुए कहा कि परिस्थिति और देह स्थिति जो है ना, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। ये तो अपने प्रारब्ध के अनुसार जैसे 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 भी हो वैसे हमारे सामने आते रहते हैं और हमको स्वीकार करना पड़ता रहता है। लेकिन अपने को जीवन में मुख्य रूप से मनस्थिति तैयार करना है, अपने मन को ऐसे मन बनाना है कि कोई भी परिस्थिति में समाधान से रहने जैसे मन बनाना ही यानी अध्यात्म का या साधन का यानी मुख्य ध्येय है। इसलिए देह स्थिति और परिस्थिति तो ये तो निश्चित है। अभी ऐसी हालत में भी इतना मन प्रसन्न और शांत रहना ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा सिर दर्द होने लगा तो हम इतने अस्वस्थ हो जाते हैं कि कब जाए डॉक्टर के पास, कब जाए। हमारे हमने उनको देखा है, उनसे बोला है और हमारे प्रति उनका प्रेम भी है। कर्नाटक में एक औरत यानी उसका नाम था सुभद्रा, तो 20-25 साल तक उसकी शादी कहीं नहीं जमी, तो मन में वैराग्य आ गया। जीवन में वैराग्य का भाव जागृत होना ये बहुत जन्मों के भाग्य है। आजकल ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान मनुष्य की वासनाओं को बढ़ाने वाला है। दिन पर दिन हम देख रहे हैं कि मनुष्यों की वासनाएं इतने बढ़ रहे हैं, उन वासना पूर्ति के लिए ही विज्ञान आई है ऐसा हमको लग रहा है। मनुष्यों की वासना पूर्ति के लिए ही विज्ञान नए नए आविष्कार कर रहा है। दिन पर दिन जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं ये मनुष्य की वासना तृप्त करने के दृष्टि से हो रही कि ऐसा लग रहा है, लेकिन इसमें से कोई जीवन का प्रश्न नहीं होता है, हल नहीं होता है। जीवन तो दिन पर दिन और भी इतना ये होते जा रहा है, संदिग्ध और संघर्षमय होते जा रहा है कि इसमें से कोई जीवन का प्रश्न का हल नहीं होता। तो इसलिए ये जो विज्ञान बाहर का जो आकर्षण है बाहर का, और जो सुखानुकूलते के जो थे जो सामग्रियाँ हैं, इन्हें ये सब जो है ये अपने हित के लिए नहीं है। तो इसलिए जीवन में वैराग्य आना ये हमको नहीं चाहिए, ऐसे लगना ये बड़े भाग्य की बात है। ऐसे उसके मन में आए कि उन्होंने 4-6 लड़कों को दिखाए तो किसी ने पसंद नहीं किया। वैराग्य आने के लिए पहले शास्त्रों में कुछ बातें बताई कि जीवन में घटने वाली दुर्घटनाओं से वैराग्य आ जाता है मनुष्य के मन में, वह भी एक प्रकार से वो जागृत हो जाता है। अपने जीवन में जो अनेक प्रकार के कष्ट दुख क्लेश भोगना पड़ता है उसमें से मन उद्विग्न हो जाता है और सोचता है कि ये चाहिए नहीं। तो तुकाराम जी का भी ऐसा ही हो गया, 3 साल देहू में बरसात नहीं हुई तो सब बने जानवर मरने लगे, गाय बैल महीस वगैरह बकरी वगैरह उनको खाने के लिए नहीं, आदमी मरने लगे। 4th साल बरसात हुई और लोगों ने सोचा कि चलो अब फिर से खेती बाड़ी शुरू करेंगे, लेकिन तुकाराम जी ने सोचा ये तो ऐसे ही है, इस साल हुई बरसात और इस साल बारिश हो गया और अगले साल नहीं हुआ तो फिर वही हालत है। फिर बड़े अच्छे अमीर मैंने पैसे वाले थे, उनका उनकी दुकान थी, उनकी खेती बाड़ी थी,
बहुत दृष्टि से अच्छे थे, लेकिन वो उस साल 3 साल में सब चले गए। तब उन्होंने भगवान से कहा, बहुत अच्छा किया उन्होंने, यस्यानुग्रहम इच्छामि तस्य सर्वम हराम, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ उसका एक एक करके हरण करता हूँ, सब ओर से उसको निराश बना करके हाथ ऊपर उठाने जैसे। तब वो इस दुनिया से निराश होकर के, कोई भी मेरा संरक्षण करने वाले नहीं है, जैसे द्रौपदी ने जब तक अपनी साड़ी पकड़ी थी तब तक कृष्ण वही था, तो हाथ ऐसा नहीं कर रहा था, तो बोले वो अपने अपने ताकत से, अपने शक्ति से, अपने बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो करने दो। जब उसने दोनों हाथ छोड़ करके हाथ ऊपर उठा करके, हे कृष्णा, हे यादव, हे द्वारका वासिन, ऐसे बोलने लगी, तो कृष्ण अक्षय वस्त्र दिया। हमको भी ऐसे ही, जब तक हमको हमारे विद्वत्ता के बारे में, शिक्षण के बारे में, अधिकार के बारे में, पैसे के बारे में, मित्रों के बारे में, स्वजनों के बारे में, घरदार के बारे में, जब तक भरोसा विश्वास है, हम उन पर विश्वास रख के, भरोसा रख के हैं, तब तक भगवान बोलता है कि चलने दो, तुम्हारे इच्छा होता है। जब तुम इन सब बातों को छोड़कर मेरे तरफ देखोगे तब मैं आऊँगा। इसलिए इन चीजों में से अपना मन हटे बिना, यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशम्। जिस जिन 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 चीजों के तरफ, जिन जिन सुखों के तरफ, जिन जिन ऐश आरामों के तरफ हमारे मन दौड़ रहा है, उन वस्तुओं से, उन परिस्थितियों से अपने मन को हटाए बिना, हम अपने मन को अंतःकरण में जो सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप है उसमें एकाग्र नहीं कर सकते। इसलिए अपने को धीरे धीरे, हमारा मन जो है, इन बातों से, आज मैं सवेरे एक लिखाने वाला था तो बोल दिया कि तबीयत खराब है, तो डॉक्टर ने कहा कि वो चार्ज बना के दिया हमको, हार्ट ऑपरेशन होने के बाद उसके पहले भी चार्ज बना के दिया, तो उसमें से बोला कि ये खाना, ये नहीं खाना। तब हमको थोड़ा सा बुरा लगा, ये नहीं खाने को मिलेगा, वो नहीं खाने को मिलेगा। अब धीरे धीरे मन में यह भाव आ रहा है, आज सवेरे भी बोल दिया मैंने, कि भगवान की दया है, भगवान ने इन सब चीज़ों से हमको दूर रखा है, यह बहुत अच्छा हो गया। इसलिए मैं आज लोगों को लिखने के लिए देने वाला था, तबीयत खराब होने के कारण डॉक्टर जी ने जो मुझे चार्ट बना के दिया है उसमें से उन्होंने जो जो खाने के लिए मना किया है, यह सब जो है उन्होंने बेकरी प्रोडक्ट खाना नहीं करके बोल दिया है, इसे हमको ब्रेड नहीं खाना, पाव ये भी नहीं खाना, बन नहीं खाना, और पाव नहीं खाना, और तला हुआ पदार्थ नहीं खाना, घी बिल्कुल नहीं खाना, इसलिए बहुत सी चीज़ रह गए, घी नहीं खाना बहुत सी चीज़ रहे, तला हुआ नहीं खाना बहुत सी चीज़ रहे, बेकरी प्रोडक्ट नहीं खाना बहुत सी चीज़ रहे, ये सब जो हैं, मुझे ऐसा लगा कि ऐसे अपने साधन के दृष्टि से कितने उपयोगी हैं, कितना अच्छा है ना, अपने साधन के दृष्टि से अपन विचार किया जाए, तो मुझे ऐसा लगा कि ये भगवान ने अच्छा किया, ये चार जो है हमारे जिंदगी भर के लिए हमारे लिए अच्छा है। इनमें से अपने आप को संयमता आ जाती है ना, नहीं तो स्वच्छंदता है, जो चाहे सो खाओ, जितने चाहे। मैंने उसमें लिखाने वाला था इन चीजों के प्रकार और प्रमाण में जो उन्होंने नियमित कर दिया है, ये हमारे अच्छाई के लिए है, साधन के दृष्टि से, प्रकृति के दृष्टि से कुछ भी हो, लेकिन साधन के दृष्टि से ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये बहुत अच्छा है। अरे खाने के लिए, ये जिंदगी के लिए सब कुछ खाना पड़ता है, जिंदगी के लिए कोई ना कोई, शरीर धारण के लिए शुद्ध व्याधिष्ठ चिकित्सता अहर अहर भिक्ष औषधम उच्यता। शंकराचार्य जी ने कहा क्षुद्ध भूख एक व्याधि है, उस व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए,
इसके लिए भिक्षा औषधम भुज्यताम, भिक्षा ही औषध है, भिक्षा में जो आए वही औषध है। समर्थ रामदास स्वामी जी ने जब 12 साल उन्होंने टाकली करके गांव में रह सके, गोदावरी में नाभि पर्यंत पानी में खड़े होकर उन्होंने तपस्या कर रहे थे, जप कर रहे थे 12 साल, तो 4 बजे उठते, अरे 12 साल का एक लड़का, हम 50 साल हुए, 60 साल हुए, 70 साल हुए, जीवन में ऐसा आता ही नहीं कि हम कुछ करें। अब तो फिर भी हम अभी इन संसार के वस्तुओं में, विषयों में अपने मन को डुबो के रख करके हम सोच रहे कि मौज उड़ा रहे, ये तो हमारी दुर्दशा है। सच पूछा जाए तो ये हमारी दुर्दशा है। तब उन्होंने 12 साल की उम्र में तो एक वहाँ गोदा नासिक के 5 मील दूर पर टाकली करके गाँव, वहाँ पर उन्होंने गोदावरी और कपिला नदी के संगम पे एक खड्डा खोदा और उस खड्डे में उन्होंने एक मारुति की स्थापना की और मिट्टी से बना बनी हुई मारुति की मूर्ति बनाई, तो वहाँ स्थापन करके उन्होंने खड्डे में सोते थे, तो 4 बजे उठते, तो यहाँ पर भट्टियान करके गाँव, हम नर्मदा प्रदक्षिणा करते करते वहाँ गए थे भट्टियान, तो उस समय तो वहाँ एक सियाराम बाबा करते थे, और 2 साल पहले 1 साल पहले हम यहाँ आए थे ना, उस समय उनको देखने गए थे, तो अभी उनको 85 साल है, अभी उनको उनका फोटो है हमारे पास, तो उस समय उनको 40 साल हो गए उस बात को, उस समय वे 44 साल के थे, तो वे भी एक खड्डे में रहते थे, वो नर्मदा जी के रेती के रेती में एक खड्डा बना करके उसमें सोते थे, एक इसमें वो थैली पर सोते थे तलक के, तो मैं भी उस खड्डे में 3 दिन रहा उनके साथ, और वे सवेरे सवेरे क्या करते, 5 बजे नर्मदा जी में जाते थे, ऐसे बहुत महात्माओं को हमने ऐसे देखा। हमने एक वहाँ गए थे भावनगर, भावनगर से 10 किलोमीटर पर एक चित्रा करके गांव है, वहाँ पे एक महात्मा थे, वे 27 साल से एक गाड़ी पर बैठे हुए, हले नहीं थे, हिले नहीं थे वहाँ से, मेरा फोटो है उनके साथ बैठा हुआ, तो 27 साल वहाँ बैठे रहे, फिर 8 साल के बाद वे गुजर गए, कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं, कभी कभी थोड़ा सा ये मौसम्बी का रस और ऐसे ले लेते, जो इसके नीचे भी नहीं उतर सकता था उतने ले लेते। तो जीवन को कुछ ऐसा, जीवन का कुछ एक कष्ट भोगना कोई मामूली बात है, इतने कष्ट भोगते हुए उसको कोई उसकी कोई दृष्टि इसके तरफ लक्ष्य नहीं है क्या? यदि वातादि दोषेन मत भक्तो माम न स्मरति अहम तब स्मरिष्यामि नेष्यामि परमांगति। ऐसी परिस्थिति में हम कुछ नहीं कर सके तो ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते जिंदगी में किया हुआ सब खत्म हो गया क्या, उसका कोई मतलब ही नहीं हो? अरे हमने जिंदगी भर तुम्हारा नाम लिया है, अब नाम नहीं ले सकते हैं तो इतने पर तुम इतने हमसे नाराज हो जाओगे क्या कि हमको छोड़ दोगे? फिर जिंदगी भर किया लिया हुआ नाम का क्या मतलब हो गया, है ना? हमने जिंदगी भर तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पूजा किया है, पाठ किया है, जप किया है, तप किया है, अब नहीं कर सकते तो इतने से हमको छोड़ देना, नहीं छोड़ेगा। लेकिन शरीर के कष्ट भोगने के लिए भोगते वक्त वो हमको भोगने देगा, नहीं तो अगले जन्म लेके आना पड़ेगा भोगने के लिए। तो एक बार मैंने सवेरे बोला, एक बार गुरु पूर्णिमा के समय में तात्या साहेब केतकर जी की यानी बहू साहेब जी की सुन यानी वो थी क्या बोलते उस बहू थी, तो बहू की तबीयत खराब हुई थी, बुखार, तो उनने कहा कि महाराज जी से बोले फेरी पे, महाराज मेरी तो ऐसी बुखार है, दो दिन में गुरु पूर्णिमा है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँगी काम,
घर में बहुत से लोगों का ये उत्सव है। तो वरा जी ने कहा बाद में तुम इसको भोगने के लिए तैयार हो क्या? हाँ बोले तैयार हूँ, तो फिर अभी मैं उसको अच्छा कर दूंगा। बोले ब्रह्मानंद महाराज जी को श्वेत कुष्ठ था, तो महाराज जी ने एक बात पूछा, इसको मैं ठीक करूँ? नहीं, इसको भोगने के लिए फिर मैंने जन्म लेना, नहीं फिर जन्म लेना पड़ता है, तो भोगना जो है वो भोगना ही पड़ता है ना। तो बोले कि नहीं, इसी जन्म में ना। फिर वो उसने कहा कि ठीक है, कल तक अच्छा हो जाए। दूसरे दिन अच्छा हो गया, बुखार नहीं कुछ नहीं। तो फिर बाद में क्या हुआ कि गुरुपर्व में उत्सव हुआ, और फिर बाद दो दिन के बाद महाराज जी ने उसको याद दिलाया, कब भोगे? ने आज पांच दिन फिर बुखार आ गए। इसीलिए अपने को जो है ना, वो प्रारब्ध का तो भोगना ही पड़ता है, ठीक है, फिर भी अपने को जीवन में कुछ ऐसा कुछ करने की अंदर से जो प्रेरणा होती है, कि यानी भाव आता है, वो भाग्य से आता है। तो महात्मा के तो वे सवेरे 4 बजे उठते थे और नर्मदा जी में स्नान करके आते थे। कैसे स्नान करते थे? डूबने तक जाते और फिर वापस आ जाते थे। हाथ पर, हाथ पैर पर ऐसा कुछ भी हाथ नहीं करते, रगड़ नहीं रगड़ते, आ जाते और भस्म लगा लेते, और वो एक बड़ के झाड़ उसके उसके नीचे बैठ करके रामायण दिन भर पढ़ते रहते। 7 बजे गांव के लोग चाय ले आते थे, तो चाय पीते थे, तो एक थाली में चाय लेते और वे पीते पीते कुत्ते भी पीते थे उसी में। हमने तो देखा है, 3 दिन रहा मैं उनके साथ, हम तो अपने लोटा में हम लेते। तो फिर बाद में 12 बजे भोजन ले आते लोग, तो दाल है, चावल है, रोटी है, ये सब्जी है, साग सब डाल देते और वे भी खाते और कुत्ते भी खा लेते। सिर्फ दिन भर एक लंगोटी पे रहते थे और शाम को फिर स्नान करके आते और सो जाते, अरे स्नान करके आते, अपना जो पूजा पाठ जब तक कुछ है नहीं, बाकी जैसे सिर्फ रामायण पढ़, फिर वहाँ खड्डे में सो जाते। इसे वैसे समर्थ रामदास स्वामी जी भी खड्डे में सोते, 4 बजे उठते, 12 साल की उम्र, और सूर्योदय तक गायत्री जप करते, 12 बजे तक, फिर बाद में 12 बजे तक राम नाम जप करते खड़े खड़े। नीचे का भाग जो है पानी में खड़े खड़े सब यानी श्वेत सफेद हो गया था, और जो मछलियां काट 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 करके खड्डे पड़े थे, तो उनको कुछ करना था ना, हमको उसकी ये नहीं है, हाँ लगन नहीं है। यदि मिलन शौक है मिलन का, यदि शौक है मिलन की, हरदम लव लगाते जा, लव लगाना, लगन है लव है लगन, बोले ना लव लगन। यदि शौक है मिलन की, हरदम लव लगाते जा, ऐसा। तो फिर 12 बजे वे मधुकरी मांग के लाते, पंचवटी जा करके मारुति को नैवेद्य दिखाते, और वो झोली जो है ना पानी में डुबो करके निकाल देते, उसमें सा रस, उसमें का रस सब निकल जाएगा। हमको सब्जी में कुछ नमक कम हो, तो आज हमने बोला ना सब्जी में नमक कम है, कल बोले कितना हमारा ये है। और ऐसे भोजन कर लेते बहुत थे, 12.5 करोड़ जब पूर्ण हो गए, तब प्रत्यक्ष राम जी आकर के बोले बेटा बस बंद करो, मुझे देखा नहीं जाता तुम्हारा एक का। तो उन्होंने कहा कि हमारा 13 करोड़ का संकल्प है, हम अभी नहीं छोड़ेंगे। बोले 7 कोटी होने के बाद फिर आ गया, छोड़ो बोले, आप इधर आइए मत, हमारे 13 करोड़ होने तक इधर आइए नहीं। तो बाद में योग ऐसे की माता जो थी ना सुभद्रा माता, उसको जीवन में इस संसार से ये हो गया, वैराग्य हो गया। बस भगवान क्या कहता है कि साधु संत जो है ना बहुत ये लोभी है, प्रापंचिक लोग जो है ना ते उदार है, वे
यदि भगवान जैसे रत्न को छोड़ करके प्रपंच के विषय रूपी कंकर को अपने या अपने गले में बांध के रखते हैं। मैंने किसी ने अपने कांसे के एक टुकड़े को गले में बांध के जा रहा था तो क्या हो गया, नहीं किसी को एक महात्मा ने ये दिया, चिंतामणि दी, तो बोले चिंतामणि है वो अपने गले में बांध के बांध लो। तो उसने अपने गले में बांध के जा रहा था तो रास्ते में एक कांच का टुकड़ा मिल गया, इससे भी चमक रहा था वो, तो उसने सोचा इससे भी वो अच्छा दिखता है, तो उसने वो बांध लिया, ये निकाल के फेंक दिया। ऐसी हमारी स्थिति है, ये हम लोग क्या करते हैं कि भगवान को छोड़ करके प्रपंच रूपी कांच को हम, और साधु संत जो होते हैं ना वो इस संसार के सुख रूपी कांच को छोड़ करके भगवान को पकड़ ले, ये लोग ही हैं वो, वे हम उदार हैं, भगवान को ही छोड़ देने वाले उदार। तब उन्हें सोचा कि हमको ये शादी वगैरह नहीं चाहिए, करके निकल गए। अशोक भाई भिजवा वहां से चली तो उत्तर काशी गई, तो उत्तर काशी में 12 साल रही अकेली, और फिर बाद उसके मन में आया कि इससे कुछ आगे बढ़े, इससे कुछ कठोर साधन करे, तो उसने वहां से गोमुख गया, उत्तर काशी से आगे गोमुख पे गई। तो वहां तो बहुत ठंड, हम एक महीना रहे उत्तर काशी में, तो गंगोत्री रही पहले उसने गंगोत्री, उत्तर काशी में नहीं गंगोत्री में, तो एक दिन गंगोत्री गए तो पानी में स्नान करके डूब के उठे तो 5 मिनट हमारा हार भी बंद हो गया था, इतनी ठंडी है वहाँ गंगोत्री में 12 साल रही। फिर उसको लगा कि और कुछ आगे चले, तो गोमुख में 6 साल रही अकेली एक गुफा में, तो फिर लगा कि और भी आगे बढ़े, तो वहाँ जाकर फिर आगे जा करके तपोवन करके है, वहाँ पर साल भर में इक्के बिक्के आते हैं लोग, वो भी गर्मी के दिन में, ठंड के दिन में कोई नहीं आते। तो उसने एक गुफा में अपने लिए 6 महीने के लिए जो सामान लगे, 2 स्टोर रख लिए था, कुछ था चावल है ये है वो है कुछ दवाइयाँ, वहाँ गुफा में रहे। वो गुफा जो है बर्फ से बंद हो जाता था, तो इसने रोज क्या करना था, वो वहाँ एक ये होल कर लेना तो हवा आने के लिए, और सब कुछ उस गुफा में, कोई पूछने वाले नहीं कोई बोलने वाले नहीं। एक दिन तो यहाँ पर इतना बड़ा ये हो गया था, बोल रही थी फोड़ हो गया था, तो आया तो उसमें से पस हो गया और खून बहने लगा, किनसे बोले क्या बोले, फोन नहीं डॉक्टर नहीं दिए नहीं कुछ नहीं। 9 साल रही वहाँ पे, फिर लोगों ने उनको उठा करके वहाँ से निकाल के ले आए, और उत्तर काशी में उसको उन्होंने एक आश्रम बांध के दिए, तपोवनी माता जी पे कहने लगी। तो आप अभी वो बहुत कुछ है, एक मतलब यह ना है कि अपने को कुछ किए बिना कुछ नहीं होता है, इसलिए अपने को ये शरीर का जो परिस्थिति और देह स्थिति जो है ना, ये तो कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने को अपने मन तैयार करना, कोई भी परिस्थिति में अपने को अपना अपने हमारा जो मन है वो अस्वस्थ नहीं होना, शांत रहना। एकनाथ महाराज करके हो गए ना महाराष्ट्र में, हम एक बार देहू गए थे, देहू पे जहाँ पर उन्होंने तुकाराम महाराज जी ने वैकुंठ गए जहाँ से वहाँ जाते रहते, तो वहाँ गए तो वहाँ 5 संतों का नाम लिखा था, ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञान, नामदेव नाम, एकनाथ महाराज शांति ब्रह्म, तुकाराम महाराज प्रखर वैराग्य, आणि निळोबा गुरुनिष्ठा, ऐसे उन्होंने वहां लिखा था। ऐसे एकनाथ महाराज जो है शांति ब्रह्म, शांति यानी क्या है, उन पैठण में रहते थे, वहां एक समिति थी कमिटी, उस समिति का नाम था एकनाथ समाधान भंग समिति
उनके समाधान भंग करने के लिए एक कड़ी थी। उन्होंने बहुत कुछ प्रयत्न किया, आखिर तक उनका मन का समाधान भंग नहीं, इसलिए उनको हम संत साधु सतपुरुष संत मानते। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ना, बहुत कुछ बोलना, ये कोई संतों का लक्षण नहीं। एक मुसलमान आदमी को वे जो थे ना समिति वाले, तो कुछ पैसे दे करके बोले कि वो रोज सवेरे 4 बजे तुम्हारे साथ घर के सामने से गोदावरी स्नान करने जाते हैं, तुम ऐसे करो वे स्नान करके आते ही तुम अपने मुंह में कुछ पान तमपान सुपारी और तमाकू भर के उनके सिर पर थूको। तो हाँ, उसको क्या है, तो हो गया। तो फिर बाद में उसने थूका उनके सिर पर, तो देखे तो सब सिर शरीर पे वो पड़ा है। तो देखा, उन्होंने सोचा कि गोदावरी का स्नान करके आएंगे, वो ऊपर भी नहीं देखा उन्होंने कौन थूके वगैरह। तो फिर गोदावरी स्नान करके आए, फिर थूका, फिर स्नान करके आए, फिर थूके। यानी करीब 90-99 बार थूका उसने। 100 बार जब स्नान करके आए, तब उसको उसका अंतःकरण ही बदल हो गया। तुम साधु संतों के प्रेम में रहो, बने तो अच्छा है, नहीं तो उनसे द्वेष करे तो भी हमारा उद्धार हो जाता है। द्वेष करना है और झगड़ना है और कुछ मारा मारी भी करना है तो साधु संतों से यानी बाकी लोगों से प्रेम करने से भी साधु संतों से झगड़ते रहना अच्छा है। तो उसको उनको उसने इतने तकलीफ दिया, इतना कष्ट दिया, इतना अपमान किया, इतना त्रास दिया, फिर भी उनको कुछ नहीं। इससे क्या हो गया कि उनके उस सहवास से उसके अंतःकरण में परिवर्तन। जब आखिरी बार उन्होंने 100 बार शाम 6 बजे थे स्नान करके आए, तब वो आकर के उनके पैर पर खड़ा, उन्होंने बोला मेरे से बहुत गलती, तो क्षमा कर। क्या हो गया, बोले नहीं मैंने आपको इतने बार मैंने आपके सिर पे थूका। उन्होंने आलिंगन कर दिया, बोले तुम्हारा जैसा उपकार जिंदगी भर मुझे कोई नहीं किया था। मैंने मन में बहुत दिनों से 100 बार स्नान करने की इच्छा तुम्हारे वजह से आज पूर्ण हो गया। तुम्हारा प्रेम क्या है वो मेरे प्रति, तो फिर वो उनका शिष्य ही हो गया। ऐसे संतों का जो ये है, उनके बाह्य जीवन हमारे जैसे ही रहता है। उनको भी प्रारब्ध के अनुसार अनेक प्रकार से कष्ट भोगना पड़ता है, ये भोगी, लेकिन उनका मन जो है ना वो तो भगवान के चिंतन में ऐसे लगे रहते हैं। इसलिए हमको लगता है कि हमारा हार्ट का ऑपरेशन हो गया, 9 ब्लॉकेजेस थे हमारे हार्ट में। तो डॉक्टर जी जब 10 तारीख को ऑपरेशन करने का उन्होंने निश्चय किया था, फिर बाद में हमको थे वो डेंगू बुखार आई और प्लेटलेट्स कम होने लगी, तो उन्होंने 17 तारीख को पोस्टपोन किया। तब भी डॉक्टर खुद बोले 7 दिन तक मुझे नींद नहीं आई, कौन से किस क्षण हार्ट अटैक आउट फेल हो जाएगा, ऐसा ऐसी स्थिति थी तुम्हारी। जब हमने तुमको ऑपरेशन थिएटर में अंदर भेज दिया तो हम स्वस्थ हो गए, अब कुछ नहीं होगा। इतनी ऐसी परिस्थिति थी, जब हमको उन्होंने अंदर ले जा रहे थे, तब मैंने एक गोविंदान सरस्वती वृंदावन के उनको पत्र भी लिखा, उसमें भी लिखा है। तब मेरे साथ 3-4 डॉक्टर थे, डॉक्टर दफ्तरदार थे, डॉक्टर देशपांडे, सचिन, ऐसे। तब मैंने वे लोग मुझे देख रहे थे, मैं अंदर जाते थे। मैंने कहा मुझे कोई चिंता नहीं, बोले ऐसा आ गया तो भी ठीक, उनकी इच्छा, और दूसरे ढंग से आया तो भी कोई चिंता, उनकी इच्छा, उनको जैसा रखना है वैसे रखेंगे, मैं तो बिल्कुल शांत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई इसके बारे में दुख नहीं है।
जैसी उनकी इच्छा ऐसी अपने क्या है कि जीवन में बाकी सब कुछ जो है उसकी इच्छा है, लेकिन हमारा मन जो है वो शांत रहना, भगवान के चिंतन में रहना, ये हमारे पुरुषार्थ हैं। बाकी सब प्रारब्ध है। हम अपने को जो कुछ हम नामस्मरण करते हैं, भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, होता नहीं बोलते हैं लोग, मैं कहता हूँ होता नहीं है, करता नहीं है। माझ्याकडून जप होत नहीं नहीं करत नहीं, मी करत नहीं म्हणा, होत नाही म्हणू नका, हे आमचे आमची म्हणजे चूक आहे, हमारी गलती आहे। जन्माला आलो म्हणून 24 तास जप करा, आम्ही जन्म लेके आए करके 24 घंटे नामस्मरण करो, नहीं होता है 12 घंटे करो, तो महाराज जी बोले 12 घंटे करो, नहीं होता है 6 घंटे करो, नहीं जमता है 3 घंटे करो। आखिर भगवान महाराज जी ने कहा साधु संतों की क्षमता, उनकी आशा, कितने भी आशावादी हो 1 घंटा करो। जिस भगवान ने तुमको 24 घंटे दिए हैं प्रपंच करने के लिए, उस भगवान के नाम 1 घंटा भी नहीं लेते हैं, तो चाहते हो हम सुखी रहें, हमको सब प्रकार से हमारा चलता रहे, अच्छा रहे, और हमको सब प्रकार के सुख मिलते रहे। कल मेरे पास कल या परसों कोई आए, यहाँ नहीं बेंगलोर में, वो हमारे लड़के की इसके मामा, हमारे लड़के की शादी हो करके 7 साल हो गए, अभी उनको बच्चे नहीं, तो क्या करना, बोले तुमने 7 साल किया है ना सब कुछ, प्रयत्न किया जो कुछ करना तुम जानते थे, हाँ बोले, फिर तुम्हारे हाथ में नहीं ये सिद्ध हो गए कि नहीं, हाँ बोले, जिसके हाथ में है उसके तरफ तुमने कभी लक्ष्य दिया है? उन दोनों से मैंने पूछा, उनकी तरफ तुम कभी लक्ष्य दिया, तुमने कभी महाराज जी के तरफ सदगुरु के तरफ तुमने लक्ष्य दिया कभी? 24 घंटे में 10 मिनट भी तुम नाम लेते हो क्या? नहीं बोले, फिर कैसे करेगा? यू लुक मी आई लुक यू, ऐसा भगवान कहता है, तुम हमारे तरफ नहीं देखते हो तो हम तुम्हारे तरफ क्यों देखें? तुम्हारे हाथ में नहीं है तो सिद्ध हो गया, हाथ में होते तो 7 साल में 7 बच्चे हो जाते थे, सिद्ध हो गया है फिर भी तुम ये नहीं सोच रहे। हमने उसको एक आधा घंटा बोल दिया, इसके मामा भी आए थे, तो फिर बाद में हम क्या करें, बड़े आओ वहाँ पर महाराज जी से अनुग्रह ले, हम संकल्प कराएंगे उसके अनुसार नामस्मरण जब तब जो कुछ हम कहेंगे सो करते जाओ, तो उसको दया आएगी। यानी वो बाद में वो तुम्हारी तरफ यानी उस भाव से देखेगा, उस दृष्टि से देखेगा, कम से कम उसको शरण जाना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए। इसलिए ये सब कुछ हमारा प्रारब्ध है, इस प्रारब्ध को हमको भोगना ही पड़ता है। तो डॉक्टर जी कहते हैं कि आपकी बीपी वैसी है, मैंने कहा बीपी तो रहने लो, पीबी कैसा है? पीबी है ना प्रारब्ध भोग, वो किसी को नहीं छूटा है। बीपी सब डॉक्टर देखते हैं, लेकिन पीबी कौन देखते हैं? पीबी तो गुरु महाराज देखते हैं। इसलिए उनके सामने हम पड़े रहना, सिर्फ वो ये जिन पर विश्वास रख करके, जिनको हमारे साथ मान करके, देते दातो देते तू मानसा सा, हमने आयुष जिंदगी बिताए हैं, तो वे कोई ऐसे हाथ छोड़ेंगे नहीं, लेकिन शरीर के भोग जो है कहते भोगना ही पड़ता है, किसी को भी वो छोटा नहीं है। कोई रावण महर्षि को कैंसर हो गया, रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर हो गया, बड़े बड़े सत्पुरुष साधु महाराज जी को देह छोड़ने के पहले 4 साल पहले उनको विष दिया, उस विष के कारण उनको दम शुरू हो गया, दम तो दम के कारण वे रात भर
ऐसे खाट पर दो दो इन्हें हाँ तकिया रख करके उस पर ऐसे रात भर खड़े रहते थे, पैर इतने इतने ज्यादा सूज आ गए थे। चार साल भोगे लेकिन एक बार उनके मुंह से ऐसा शब्द नहीं आए उन्होंने ऐसा किया करके ऐसा हो गया। इसलिए वे सत्पुरुष है, हम किसी कोई ने हमको एक दस पैसे का नुकसान कर दिया तो हम जिंदगी भर उसको गाली देते रहते हैं। इसलिए हमको सिर्फ भगवान का स्मरण करते रहना, हम कहा वहां भी हैं तो भी हमको याद आते रहता है कि जब ये बोलती है ऐसे वैसे, हमको बहुत अंदर से ऐसा लगता है शारीरिक पीड़ा वेदना कितना इन्हें, फिर भी उसको स्वीकार किए बिना तो क्या यही प्रार्थना करते हैं, माँ ने उठाया अपना क्या है, माँ से यही प्रार्थना करते हैं चाहे वो माँ ने उठाए अच्छे मन से बोलो चाहे बुरे मन से बोलो, पर वो तो माँ के हाथ से है, बस इतना समझ में आना चाहिए। मेरे को थे वो कमल ले लिया, ठंड लग रही है दीदी, अब जब कोई आए तो हम नहीं उठा सकते, वहाँ उड़ा के वही सो रही है उड़ा, चलो माँ यहाँ सुला रही है यहीं सो जाओ, उस समय तो यही आया कि माँ यहाँ सुला रही है, अब इनको जलवर पिला इतना बोला लिया असली माल वो दिखता नहीं है उसको, उसको किसी के माध्यम यानी किसी के द्वारा देना पड़ता है, असली माल तो इसमें हमने भर के दे रहे हैं, किसी को नहीं दिखता है असली माल, सतत चलता रहे बस वो जाइए, असली माल दिखता नहीं है, हाँ इसमें सब कुछ असली भरा है। उल्टा काम क्यों करा रही भाई, मेन व्यक्ति हो ना तुम, पीछे बैठे रहते हो। हाँ ये देखिए, ते भट्टियाल के सियाराम बाबा।